तेरे भाई की मस्त जॉब लगी है, अब तो ऐसी ऐश होगी। ऑनलाइन खाना मंगवाता हूँ तुम सबके लिए, पीसीआर आ जाए बस। हाँ कर दो ऑर्डर, क्या पता वही डिलीवरी देने आए। मतलब सौले ने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया है, फोन करके पूछियो कब तक आएगा। एक तो ये बैंक वालों ने बिल्कुल दुखी कर रखा है, हर रोज मैसेज करते हैं प्लीज चेक का बैलेंस। अरे जब मुझे पता है मेरे अकाउंट में 78 रुपए, तो मैं क्यों चेक करूँ। अच्छा खासा भूल गया था, लेकिन नहीं, ये लोग गलत फहमी में भी अमीर नहीं रहने देते। लोग एक खुशखबरी है यार। है लड़के की जॉब लग गई। हाँ वो भी है, पर गुड न्यूज ये है कि वो है ना अपना बकासुर, उसकी वैक्सीन लग गई। तो पूरे देश में बस वही बचा था। अरे टाइम नहीं मिला होगा, साले की पूरी बॉडी पे बाल थे, वैक्सीन से पहले वैक्सीन करानी पड़ी। नई जॉब पे पहला दिन कैसा रहा। अब इनको क्या बताऊँ कितनी मुश्किल से जॉब मिली है, कोई फिक्स जॉब तो है नहीं, जो भी नौटाल की जैसे कि हफ्ते आओ एक गाना खराब करके चले जाओ। पहले दिन यार फूड डिलीवरी के लिए भेज दिया। हाँ पहले दिन तो उनको मसाज और मैनिक्योर देना चाहिए था ना। अबे इस तरह की जॉब में पहले दिन से ही काम करना पड़ता है। अरे बंदे से पूछना तो चाहिए भाई, ढंग से चलानी आती है नहीं, एड्रेस ढूंढने में कैसे हो। हाँ अगर नहीं आता ड्राइव करना तो हम तुम्हारे लिए ओवर मंगा देंगे। कुछ तो पूछा ही होगा। मुझसे पूछते कि क्या करते हो, मैंने कहा आई डू माई बेस्ट। इस बात पे गंदे लुक कौन देता है यार। फर्स्ट डे जॉब से नहीं निकल सकता ना, इसलिए ऐसा लुक दिया होगा। दिमाग मत खराब कर, एक तो कल ही बाइक चलाना सीखा है। मतलब बाइक से गया था तू। एक तो सुबह सुबह रोड पे इतना ट्रैफिक, सारी गाड़ियाँ सामने से आ गई, पीछे से कोई आ ही नहीं रहा। बाइक चलाना बड़ा मुश्किल काम है यार। अबे गाड़ियाँ सामने से नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तभी सोचूं लोग गाली क्यों दे रहे हैं, मुझे लगा अपने घर से लड़ लड़ के आ रहे हैं सब। भाई पहले बाइक ही सीख लेता, उसके बाद ही करता इस तरह की जॉब। ये तो वही बात हो गई कि सुसु करते टाइम छींक आ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। मतलब एक काम खत्म होने से पहले दूसरा शुरू करोगे तो एक काम तो खराब होना ही है। तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता था, जो पैरा उल्टा हुआ वो सीधी बात क्या करेगा। हाँ स्लिप डिस्क होने पे लात खाने आ जाएगी मेरे पास। क्यों कटो के साथ खड़ा होता है क्या वहाँ, क्यों लड़ रहे हो। तू बाइक से मत जा, अभी मेट्रो से जाया कर, मेट्रो के लोग अच्छे नहीं है यार। तुझे मेट्रो में ट्रैवल करना है, उन लोगों से जान पहचान बनानी है। और ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने। एंट्री से पहले मैंने देखा कि एक सैनिक बोरों के पीछे बंदूक लेकर खड़ा हुआ है। बंकर बोलते हैं उसे। हाँ वही, मैंने उसको कहा कि सर आप तो आर्मी से हो, आप बोरों के पीछे क्यों छुपे हो, आपको किस बात का डर, आपके पास तो गन भी है। मैंने कुछ गलत बोला इस बात पे, राइफल की बट कौन मारता मुँह पे, कहता है कि बॉर्डर पे होता तो गोली मार देता। चलो बच गए ना तुम। इसी वजह से मैं बाइक से गया खाना डिलीवर करने। कोई नहीं धीरे धीरे सीख जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। नहीं भाई अब नहीं करनी जॉब, आज सुबह से सब उल्टा हो रहा है। आज का पहला ऑर्डर ही कब्रिस्तान के एड्रेस पे था, पता। अरे तेरा डर खत्म करने के लिए भेजा होगा। हाँ टांट्रिक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, पूरा दिन उल्टा गया आज। शुक्र है उल्टे पैर वाली कुड़ैल नहीं मिली। क्या पता मिली हो तुझे, तू ही उल्टे डायरेक्शन से आ रहा हो। किसी से पता कर लेता एड्रेस। था तो एक बंदा, उससे पूछा तो कहता कि नासिर मियां ने किया होगा ऑर्डर, उनकी आखिरी इच्छा थी नान खाने की, नान खाने से पहले जान निकल गई। फिर ऑर्डर कैसे किया उसने। भाई यही सोच के मैंने बाइक दौड़ाई वहाँ से, शॉर्टकट लिया। एक तो उस रास्ते पे इतने स्पीड ब्रेकर, भाई कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ी मुश्किल से मैं मेन रोड पे पहुँचा। रास्ता भूतिया आदमी सूतिया। कमाल की बात तो ये थी कि उस आदमी को दूसरा शॉर्टकट पता था, मेरे पहुँचने से पहले गेट पे खड़ा मिला। रुका तो नहीं ना उससे बात करने के लिए। अरे नहीं अच्छा इंसान है वो। है मतलब नीचे ही खड़ा है, उसे अपनी एक कॉलोनी में कहीं आना था तो मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। तूने पैर देखे उसके। नहीं मैं लोगों का दिल देखता हूँ बस। और उसने हमारा घर देख लिया है। हाँ तो क्या हुआ, हट गई। डरपोक साले। सुनो इसको मैं पे बिठा के लाए तो मुझे वापस से छोड़ कर आओ, कब्रिस्तान सूना सूना लग रहा है।